गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो बीएससी बीएड थर्ड ईयर की काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है आज। और हम पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया है ट्रांसपिरेशन के बारे में, वाष्पोत्सर्जन हम पढ़ चुके हैं। और वाष्पोत्सर्जन के साथ साथ ही अब वाष्पोत्सर्जन के ही कुछ और टॉपिक्स में रह जाते हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पोत्सर्जन की पादपों के लिए महत्ता, यानी कि उनकी महत्वता क्या है, उनके बारे में आप घर पे ही अपनी किताबों से उसको पढ़ेंगे। जो करवाने वाली चीज़ें हैं, जो ज़रूरी हैं, वो मैं यहाँ क्लासरूम में आपको करवा देता हूँ। जब तक रेगुलर क्लास शुरू नहीं होती है कॉलेज में, तब तक जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वही हम यहाँ पर डिस्कस करें और उनको करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यही चीज़ें क्लास जो पेपर है उसमें आने की संभावना रहती है। और बाकी चीज़ें तो आप खुद घर पे पढ़ सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है गटेशन, जिसे हम बिंदु स्त्राव कहते हैं। और बिंदु स्त्राव की खोज जो है वो बर्जर स्टीन ने की थी 1887 में। बिंदु स्त्राव डिस्कवर्ड बाय इसके द्वारा बर्जर स्टीन 1887 द्वारा की गई थी। बिंदु स्त्राव वास्तव में है क्या? बिंदु स्त्राव आपको ये याद रखना है कि शाकीय पौधों में ही पाया जाता है। अधिकतर कहाँ पर पाया जाता है? शाकीय पौधों में पाया जाता है। शाकीय यानी हर्बेशियस प्लांट, जिनकी अवधि या जिन जीवन काल एक या दो वर्ष का होता है, उन पौधों में अधिकतर बिंदु स्त्राव देखने को मिलता है। बिंदु स्त्राव की क्रिया प्रातःकाल अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, इसके अलावा जो शाम का वक्त है उस वक्त ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है उस वक्त ज़्यादा? देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि फिजियोलॉजी में जितनी भी जो क्रियाएँ हैं, जैविक क्रियाएँ, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे के साथ उनका संबंध होता है। तो बिंदु स्त्राव का भी ठीक वैसे ही वाष्पोत्सर्जन के साथ एक संबंध है। जब वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, जब वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? कम। जल अवशोषण की दर ज़्यादा होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, जल अवशोषण की दर ज़्यादा होती है, उस दौरान बिंदु स्त्राव देखने को मिलता है। बिंदु स्त्राव प्रातःकाल और शाम के वक्त इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि दोपहर या जो दिन का वक्त है उस वक्त जो प्रकाश है, या हम ये कह सकते हैं सूर्य की तेज किरणों की वजह से पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान रंध्र पूर्ण रूप से खुले रहते हैं, सुबह शाम आंशिक रूप से खुले रहते हैं या बंद रहते हैं, जबकि दिन के समय ये पूर्ण रूप से खुले रहते हैं। इसलिए दिन के समय वाष्पोत्सर्जन तेज़ होता है, उसकी गति ज़्यादा होती है, जबकि शाम और सुबह के वक्त वाष्पोत्सर्जन कम होता है। अब दिन के समय जल अवशोषण की दर क्या कम हो जाती है जब वाष्पोत्सर्जन तेज़ होता है? जब वाष्पोत्सर्जन तेज़ होता है या एक नॉर्मल कंडीशन में चल रहा होता है, उस वक्त जल अवशोषण और वाष्पोत्सर्जन की दर बराबर होती है। ये बात आप याद रखें। जब वाष्पोत्सर्जन कम है यानी सुबह और शाम के वक्त, तब जल अवशोषण की दर ज़्यादा होगी और उसी दौरान बिंदु स्त्राव देखने को मिलता है। तो पत्ती के जो किनारे हैं, पत्ती के जो मार्जिन हैं, जैसे ये पत्ती है, तो इस पत्ती के जो ये किनारे हैं, लीफ मार्जिन, यहाँ पर सुबह सुबह जब आप घूमने जाते हो तब देखा करो कि पत्तियों के किनारों पर इस तरह से आपको जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई पड़ती हैं। इस तरह से जल की छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई पड़ेगी पत्ती के किनारों पर, ठीक है? ये पत्ती है और इसके किनारों पर जल की छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई देती हैं। तो पत्ती के किनारों से जल का बूंदों के रूप में स्त्राव होना क्या कहलाता है? बिंदु स्त्राव कहलाता है। पत्ती के किनारों से जल का बूंदों के रूप में स्त्राव बिंदु स्त्राव कहलाता है। और अब तक लगभग 350 जातियों में इसकी खोज की जा चुकी है। 350 जो पादप हैं उनके अंदर इसके बारे में बताया जा चुका है
तो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे टमाटर है, जैसे आलू है, पोटैटो, पोटैटो क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। इसके अलावा कोलोकेशिया, कोलोकेशिया एस्कुलेंटम, ठीक है, कोलोकेशिया में भी इस तरह से भिंडी में भी हमें देखने को मिलता है। ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा है, इसके अंदर भी देखने को मिलता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, मैनली जो एग्जाम्पल है वो है ब्रायोफिलम, ठीक है। इसके अलावा कोलोकेशिया, इसके अलावा पोटैटो, टोमेटो, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे गार्डन गार्डन मैश्चूरियम, ये भी इसका एग्जाम्पल है, गार्डन मैश्चूरियम। इसके अलावा पोएसी और कुकुरबिटेसी कुल के पादप, पोएसी और कुकुरबिटेसी कुल के पादप, पोएसी एंड कुकुरबिटेसी। अब देखिए पोएसी में भी अधिकतर कैसे पादप हैं, अनाज वाले पादप हैं, जैसे गेहूं है, जौ है, ज्वार है, तो ये क्या है, ये सारे लगभग शाकीय पादप हैं। कुकुरबिटेसी में क्या है, कुकुरबिटेसी में भी सबसे ज़्यादा जो अधिकतर जो पादप हैं वो कैसे हैं, शाकीय पादप ही हैं। आपने देखा होगा घिया की बेल, तुरई की बेल, ठीक है, खरबूजे और तरबूजे की बेल, ये सारे किस में आते हैं, ये कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं, क्योंकि इनका जीवन काल, इन बेलों का जीवन काल ज़्यादा क्या होता है, एक या दो साल ही होता है, और इनकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो इन पत्तियों के किनारों पर आपको जल की बूंदें दिखाई पड़ जाती है सुबह और शाम के वक्त, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, बिंदु स्त्राव कहते हैं। तो बिंदु स्त्राव यही है, सुबह या शाम के वक्त या रात्रि में जो क्रिया जल के, जल का एक तरह से निष्कासन होता है, पौधों द्वारा जल का निष्कासन किया जाता है जल की बूंदों के रूप में, उसी को हम बिंदु स्त्राव कहते हैं। जल की बूंदें पत्ती की सिराओं के अंत पर, ये जो सिराएँ हैं, ये जो सिराएं आप देख सकते हैं निकली हुई हैं, इनके अंत पर जल की बूंदों के रूप में जल रंध्रों से स्त्रावित होता है। जल रंध्र होते हैं यहाँ पर, जो ये सिराएं हैं इनके शीर्ष पर क्या होता है, एक जल रंध्र होता है, और उस जल रंध्र की अभी संरचना के बारे में हम जानेंगे। तो इस जल रंध्र की वजह से ही जल बाहर की ओर निकल जाता है। ये जल रंध्र जो है सीधे संपर्क में होता है इन सिराओं के, इनके जाइलम वाहिकाओं के, इन सिराओं में जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं, इन जाइलम वाहिकाओं के सीधे संपर्क में होता है। बिंदु स्त्राव से स्त्रावित जल, जो ये जल की बूंदें आप देख सकते हैं, ये क्या शुद्ध होता है, ये शुद्ध नहीं होता है, ये अशुद्ध होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही तरह के लवण, कार्बनिक और अकार्बनिक विलय उपस्थित इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देखें हम, जो बिंदु स्त्राव द्वारा पत्तियों के किनारों से स्त्रावित होने वाली जल की बूंदें अशुद्ध होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अशुद्ध में कौन कौन से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इसके अंदर विलय पाए जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो अगर ऑर्गेनिक की बात की जाए तो इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, नाइट्रोजन कंपाउंड और एंजाइम और कार्बनिक एसिड। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एमिनो एसिड, इसके अलावा N2 कंपाउंड, ठीक है, एंजाइम और कार्बोनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, ठीक है, ये कार्बनिक क्या है, विलय होते हैं। इस जल की बूंद में जो छोटी सी बूंद आपको दिखाई देती है, उस जल की बूंद में जल अशुद्ध होता है, क्योंकि उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक विलय उपस्थित होते हैं। तो कार्बनिक विलय कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, नाइट्रोजन से बने कंपाउंड या नाइट्रोजन कंपाउंड या नाइट्रोजन यौगिक, एंजाइम्स, ठीक है, और कार्बनिक एसिड। अब अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में जैसे इसके अंदर होती है नाइट्रोजन, पोटेशियम, ठीक है, फास्फोरस,
नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम भी होते हैं। मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम और सोडियम भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये होते हैं इसके इनऑर्गेनिक विलय। इनऑर्गेनिक विलय तो ये होंगे, और ऑर्गेनिक विलय क्या होते हैं? ये वाले होते हैं, ठीक है। तो ये पदार्थ उत्सर्जित जल या ये सारे जो पदार्थ हैं, ये क्या होगा कि जब जल की बूंद बाहर निकल जाएगी तो जाहिर सी बात है उसमें समय के साथ वाष्पन की क्रिया भी होती है, ठीक है। तो जब आप सुबह के वक्त नहीं, बाद में थोड़ी देर बाद या एक घंटे बाद अगर इसको देखने के लिए जाओगे आप, तो वहाँ पर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो विलय है वो वहाँ पर आपको दिखाई दे जाते हैं। पत्ती के किनारों पर अगर आप उनको गौर से देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ आपको दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि जल का क्या हो जाता है? वाष्पन हो जाता है। वाष्पन होने से पत्ती पर ये लवणों के रूप में उपस्थित रह जाते हैं, ठीक है। कुछ पत्तियों में दिखाई दे जाते हैं और कुछ को जब एनालाइज किया जाता है तब हमें उनकी उपस्थिति का पता लग सकता है, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं जल रंध्र के बारे में। जल रंध्र क्या है? देखिए, हमने ये तो जान लिया कि इस तरह से एक पत्ती है और इस पत्ती के किनारों पर यहाँ पर इस तरह से जल की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो सिराएं हैं ये लगातार इनके संपर्क में रहती हैं, इसीलिए ये जल की बूंदें इस तरह से हमें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जल की बूंदें बाहर निकलती कैसे हैं ये हम जानेंगे अब, तो इसकी क्रियाविधि भी आ जाएगी इसमें और जो जल रंध्र उसकी संरचना भी इसके अंदर आ जाती है। तो इस तरह से देखें हम कि एक जो सेक्शन है उसको अगर हम देखें पत्ती का, ये हो गई इसकी एपिडर्मिस, ये तो हो गई इसकी एपिडर्मिस, ठीक है। इस तरह से एपिडर्मिस हो गई, और एपिडर्मिस के बाद यहाँ हम देखें तो ये जो कोशिकाएं हैं इस तरह से, ये क्या है? इसकी गार्ड कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं? गार्ड सेल्स। जिस प्रकार से सामान्य पादपों में जब हम रंध्रों के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक पोर होता है बीच में, और पोर के दोनों तरफ क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं, जो कि उनकी सक्रियता की वजह से ही रंध्र खुलते और बंद होते रहते हैं। तो ये गार्ड कोशिकाएं होती हैं, और ये जो बीच में आपको छिद्र दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है जल रंध्र, हाइड्रोथिल। ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? जल रंध्र, हाइड्रोपोर कह सकते हैं, ठीक है, जल रंध्र। और इसके बाद जो आपको ये खाली जगह दिखाई देती है, यहाँ से लेकर के इस तरह से एक खाली सा कैबिन यहाँ दिखाई देगा, इसको हम कहते हैं स्टोमेटल कैविटी। ये बिल्कुल ठीक किसके पीछे होती है? जल रंध्र के ठीक पीछे की तरफ होती है, इसको हम कहते हैं स्टोमेटल कैविटी। और इस स्टोमेटल कैविटी जो है उसके ठीक पीछे की तरफ इस तरह से मृदूत की कोशिकाओं का समूह होता है। ये मृदूत की कोशिकाओं का समूह है, इसको हम कहते हैं एपिथम। इसको हम क्या कहेंगे? एपिथम कहेंगे। एपिथम की सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृदूत की कोशिकाएं होती हैं। और एपिथम के नीचे की तरफ वेसल्स और पैलिसेड उत्तक होता है। तो अगर हम वेसल्स की बात करें, पैलिसेड उत्तक तो ये हो गया, ये क्या हो गया? पैलिसेड। पैलिसेड यानी जो पत्ती के अंदर खम्भ उत्तक होता है उसको हम पैलिसेड उत्तक कहते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गया पैलिसेड, और बीच बीच में क्या है यहाँ पर? ये सिराएं हैं, ये सिराएं हैं, ठीक है। इस तरह से ये सिराएं,
ये सिराएं हो गई। तो इस प्रकार से देखें हम जल रंध्र की संरचना ऐसी ही होती है। तो वेसल्स और पैलिसेड लिख देता हूँ, ये तो हो गई वेसल्स, ये हो गया पैलिसेड, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है, आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से जो एंजियोस्पर्मिक रंध्र होते हैं, एंजियोस्पर्मिक पादपों के रंध्र दिन के समय खुले रहते हैं, रात्रि के समय बंद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रंध्र हमेशा खुला रहता है। पहली बात तो ये, यानी ये वाला जो रंध्र है, जल रंध्र, ये हमेशा कैसा रहता है, खुला रहता है। क्यों रहता है खुला, क्योंकि गार्ड कोशिकाएँ कैसी होती हैं, असक्रिय होती हैं। गार्ड कोशिकाओं में सक्रियता नहीं पाई जाती, गार्ड कोशिकाओं में सक्रियता नहीं है तो इसका मतलब पोर का कोई भी काम नहीं है, पोर सिर्फ खुला रहता है, ठीक है। तो ये पोर बाह्य वातावरण के संपर्क में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बाह्य वातावरण के संपर्क में है, और इस पोर के जस्ट पीछे का भाग, ये वाला स्टोमेटल कैविटी, स्टोमेटल कैविटी जो है वो ठीक पीछे इसके स्टोमेटल कैविटी के एपिथम कोशिकाएँ होती हैं। तो एपिथम कोशिकाएँ जो है यहाँ पर इस तरह से इन वाहिकाओं के संपर्क में होती हैं, क्लियर। अब क्या होगा कि जब पादप में उनकी पत्तियों की कोशिकाओं में शाम के वक्त, सुबह के वक्त या रात्रि में जब उनकी उपापचयी क्रियाएं चल रही होती हैं, तो उपापचयी क्रियाओं के दौरान वो कुछ जल का क्या कर देते हैं, निष्कासन कर देते हैं, ठीक है। तो जल का निष्कासन भी करते हैं, साथ ही साथ जल का अवशोषण लगातार होता रहता है, तो अतिरिक्त जल की मात्रा को ये कोशिकाएं बाहर निकाल देती हैं। तो ये वाहिकाएं जो हैं, इन एपिथम कोशिकाओं से जब जल किधर आ जाएगा, स्टोमेटल कैविटी में आएगा, स्टोमेटल कैविटी से जल रंध्र से होते हुए बाहर चला जाएगा, तो इस तरह से एपिथम कोशिकाओं में जल की कमी हो जाती है। इस जल की कमी को ये कोशिकाएं कहाँ से पूरा करती हैं, इन वाहिकाओं से पूरा करती हैं, जो कि कहाँ है, पत्ती की सिराओं में है, इन जाइलम वाहिकाओं से अपनी जल की कमी को पूरा करती हैं। तो लगातार ये जल यहाँ से क्या करती हैं, लेती रहती हैं, और इधर से ये जो कोशिकाएँ हैं ये अपनी उपापचयी क्रियाओं को कम्प्लीट कर लेती हैं, और जो जल अतिरिक्त बच जाता है वो वाहिकाओं में स्टोर हो जाता है, और वाहिकाओं से फिर आगे की ओर, ऊपर की ओर ये बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से गटेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये तो रहा बिंदुस्राव। अब अगला जो है वो है ट्रांसपिरेशन से ही संबंधित है, एंटी ट्रांसपिरेंट, यानी कि प्रति वाष्पोत्सर्जक, एंटी ट्रांसपिरेंट, इसे हम कहते हैं प्रति वाष्पोत्सर्जक। सीधी और आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब सूखे की कंडीशन होती है, या बारिश कम होती है, या टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और या ऐसी स्थिति लगती है जैसे कि अकाल पड़ने वाला है, तो उस वक्त इन प्रति वाष्पोत्सर्जक का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पादपों में वो पादपों को सूखे की स्थिति से बचाया जा सके। तो ऐसे पदार्थ जो पादपों की उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित किए बिना ही वाष्पोत्सर्जन दर को कम कर देते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो पादपों की उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित किए बिना वाष्पोत्सर्जन दर को कम कर पादप को सूखे की स्थिति से बचाते हैं, ऐसे पदार्थों को एंटी ट्रांसपिरेंट यानी प्रति वाष्पोत्सर्जक कहा जाता है। अब इनका उपयोग सूखे की स्थिति में किया जाता है, और क्यों किया जाता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन दर को कम कर देते हैं, जिससे जल की पादप के लिए निरंतरता बनी रहती है, यानी कि जल लगातार पादप को मिलता रहता है, जिससे वो अपनी उपापचयी क्रियाओं को पूरा कर सके या उपापचयी क्रियाओं को जारी रख सके, जिससे पादप शुष्कन से या ड्राइनेस से भी बचा रहता है। अब एक आदर्श एंटी ट्रांसपिरेंट के क्या गुण होने चाहिए, एक आदर्श जो एंटी ट्रांसपिरेंट है उसका क्या गुण है, उसका गुण ये है कि एक तो ये सभी जो सजीव हैं जिनके लिए या जिन पादपों के लिए हम इसको काम में ले रहे हैं, उसके लिए ये कैसा हो,
नॉन टॉक्सिक हो, यानी कि अविषालु हो, यानी विषहीन हो, यानी उन पादपों पौधों के लिए ये विष का काम ना करे। इसके अलावा इनका प्रभाव केवल कहाँ तक होना चाहिए, गाढ़ कोशिकाओं तक ही सीमित होना चाहिए। इनका प्रभाव केवल गाढ़ कोशिकाओं तक सीमित हो, अल्पकालिक प्रभाव हो, यानी कुछ ही समय में अपना काम कंप्लीट कर दें, ऐसे होने चाहिए। अल्पकालिक यानी बहुत ही थोड़े समय के लिए पादपों के लिए इसको प्रयुक्त किया जाए तो ये अपना काम अच्छी तरह से कर दे। ऑक्सीजन और CO2 के लिए पारगम्य होने चाहिए। अगर ऑक्सीजन और CO2 के लिए पारगम्य नहीं होंगे तो गाढ़ कोशिकाओं पर इनको काम में लिया जाता है तो फिर क्या होगा, अगर ये इस तरह से CO2 और O2 के लिए पारगम्य नहीं होंगे, ऐसे एंटी ट्रांसपीरेंट, तो फिर पादपों की श्वसन क्रिया पर, उनकी उपापचय क्रिया पर, उनके प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्रिया मंदित हो जाती है या फिर रुक जाती है और इसकी एवज में पौधा मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उपापचय क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखने के लिए एंटी ट्रांसपीरेंट का CO2 और O2 के लिए पारगम्य होना भी अति आवश्यक है और उपयोग में आसान और सस्ते होने चाहिए, यानी उपयोग में आसान होने चाहिए और साथ ही साथ सस्ते होने चाहिए, जिससे कि एक आम किसान भी इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर सके। इसके बाद टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपीरेंट क्या है। वाष्पोत्सर्जक दो प्रकार के होते हैं। पहले हैं परत बनाने वाले, पहले कौन से हैं, परत बनाने वाले। तो ऐसे कौन से हैं, ये कम श्यानता वाले होते हैं और मोमीय पदार्थ हो सकते हैं, रंगहीन प्लास्टिक हो सकते हैं या सिलिकॉन तेल हो सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे कि कम श्यानता, मोम यह पदार्थ, कम श्यानता मोमीय पदार्थ, इसके अलावा रंगहीन, रंगहीन और साथ ही साथ कैसे हैं ये, जैसे रंगहीन प्लास्टिक और साथ ही साथ एक और भी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, वो है सिलिकॉन तेल, सिलिकॉन तेल। ठीक है, ये सारे किस्में आते हैं परत बनाने वाले जो हैं उनमें आते हैं और ये जल के लिए अपारगम्य और O2 व CO2 के लिए कैसे होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में अपारगम्य होते हैं। जल के लिए कैसे हो जाएंगे, ये अपारगम्य हो जाएंगे। जल के लिए अपारगम्य हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, जल रंध्रों से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है, यानी कि एक परत सी बना लेते हैं, अवरोध का काम करते हैं जल के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही O2 ऑक्सीजन, इनके लिए ये कम अपारगम्य होते हैं। कम इसलिए होते हैं क्योंकि अगर पूर्ण रूप से अपारगम्य हो जाएंगे तो पौधों को CO2 और O2 की उपलब्धता नहीं होगी, जिसकी एवज में वहाँ पर उपापचयी क्रियाएँ बाधित हो जाएंगी, इसलिए ये कम कम मात्रा में अपारगम्य होते हैं। दूसरे क्या हैं, दूसरे हैं संश्लिष्ट यौगिक, सिंथेटिक जो है वो दूसरे हैं इसमें सिंथेटिक। ये तो परत बनाने वाले हो गए, दूसरे हैं सिंथेटिक यानी संश्लिष्ट यौगिक। ये शाकनाशी, कवकनाशी, ग्रोथ रेगुलेटर ये हो सकते हैं। शाकनाशी, ठीक है, कवकनाशी कवकों का विनाश करने वाले, छोटे छोटे शाक या खरपतवार हो जाती हैं तो शाक का विनाश करने वाले, और साथ ही साथ जो ग्रोथ रेगुलेटर हैं वो भी काम में ले सकते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर में जैसे एब्सिसिक एसिड है काम में आ सकता है, जैसे फिनोलिक मर्क्यूरिक एसिटेट, ये कवकनाशी है। क्या है ये, फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट, ये क्या है, ये है एक कवकनाशी। तो इस कवकनाशी का प्रयोग हम किस रूप में कर सकते हैं, एंटी ट्रांसपीरेंट के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये जो कवकनाशी हैं ये 2 से 3 सप्ताह तक रंध्रों को बंद करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा एस्प्रिन ये प्राकृतिक है। ठीक है, एस्प्रिन को हम क्या कहते हैं, एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं। इसके अलावा APA, एब्सिसिक एसिड और फिनोलिक एसिड एक्सपेंसिव हैं। फिनोलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड ये एक्सपेंसिव हैं, यानी कि महंगे होते हैं,
तो सस्ते रूप में अगर हम प्रयोग करना चाहें तो इन कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। ये कैसे हैं? ये होते हैं संश्लिष्ट, यानी कि बनाए हुए संश्लिष्ट, जिनका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे खनिज पोषक तत्व। थैंक यू वेरी मच।